हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये उदी हर चिंता विवेचना पीड़ा और दुख का इलाज है। हाँ, मालसपति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहाँ से। नाना, मैं ना दीदी कैसी है हमारी? आपकी कृपा और आशीर्वाद से कुशल से है बाबा। मैना दीदी को ये उदी देना और हमारी मैना दीदी से कहना कि हम शुभ समाचार की प्रतीक्षा में हैं। नाना साहेब, नाना जी बन गए? मैना दीदी को बोलना नाना कि तुम्हारे नाम में ही नाना है। अब असल में तुम्हें नाना बना दे। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी नाना। ये उदी हर चिंता विवेचना पीड़ा और दुख का इलाज है। हाँ, मालसपति, तुम गए नहीं अभी तक घर? जाओ घर जाओ, मेरी भाभी घर पर इंतजार कर रही है, जाओ। लेकिन साईनाथ। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अरे श्यामा, अरे इसे लेके जाओ, समझाओ इसे। अरे जाओ, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम लोग भी जाओ। नाना जाओ, तुम घर जाओ। अरे जाओ यहाँ से। अरे जाते क्यों नहीं हो तुम लोग? अरे जाओ यहाँ से। रमते राम आओ जी, आओ जी। उदिया की गुनिया लाओ जी, लाओ जी। उदिया की गुनिया लाओ जी, लाओ जी। अरे देखिए, राम राम राम। वैद जी, देख रहे हैं आप? कितना उदास लग रहा है मालसापति। वैद जी, नाना साहेब चांदोरकर के आते ही साईं बाबा ने श्यामा गुरु जी और मालसापति को निकाल दिया। दोंडू, साईं बड़ा चतुर है और मालसापति ठहरा कंगाल। उससे साई को कुछ भी मिलने वाला नहीं। और नाना साहेब कलेक्टर के दफ्तर में जो काम करता है। अरे तभी तो इस साई बाबा को नाना साहेब के मदद की जरूरत होगी। राम राम। गुरुजी, साईनाथ मुझसे नाराज तो नहीं हुए? आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं मालसापति जी। साई बाबा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका हमेशा ख्याल रखते हैं। हाँ, कभी कभी उनका व्यवहार कुछ अजीब जरूर हो जाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे व्यवहार से वो अपने भक्तों को संकेत करते हैं और ऐसे संकेत को हमें समझना चाहिए। संकेत क्या है? साईनाथ ने तो बार बार मुझे घर चले जाने के लिए सबके सामने कहा है। बाबा की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है मालसापति जी। द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं आप? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही है। अरे बहस क्या वैद जी, मुझे तो लगता है इन दोनों ने फैसला कर लिया है
कि अब कभी द्वारिका माई में कदम नहीं रखेंगे। अरे राम राम। आज के प्रवचन में साईं बाबा ने क्या कहा? द्वारिका माई सबकी माँ है। फिर माँ ने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया गुरुजी? मालसापति जी, साईं बाबा ने यह भी तो कहा कि माँ को अपने बच्चों की हमेशा फिक्र लगी रहती है। साईं बाबा को हमारी फिक्र है, इसीलिए उन्होंने आपको घर जाने के लिए कहा होगा। चलिए आइए। आ गई वैद्य जी, सारी बात मेरी समझ में आ गई। साईं बाबा ने नाना साहब को बुलाया है कलेक्टर साहब से सिफारिश करके अपना आयकर बचाने के लिए। अरे राम राम। तो फिर राम। अब क्या होगा? होना क्या है धोंडू, अब साईं की बदनामी होगी, साईं को कैद होगी। मैं अपना अपमान भूला नहीं हूँ वैद्य जी। मैं भी नहीं। वो बाईजा बाई यहाँ आकर हमें धमका कर गई थी ना, उसका हिसाब भी साईं बाबा को चुकाना होगा। बिल्कुल। या आपके घर के बाहर लोग क्यों जमा है मालसापति जी? तुकाराम, तुकाराम, क्या बात है? बेटे क्या हुआ इसे? इसका शरीर तो तप रहा है। बहुत बुखार चढ़ गया, उतर नहीं रहा। उतर जाएगा, चिंता मत कर, साईनाथ इसे ठीक कर देंगे। मैं कल द्वारिका माई ले जाऊंगा। द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका दुख दर्द मिट जाता है। बाबा। देखा, इसे होश आ गया। बाबा, मुझे आपकी गोद में सर रखकर लेटना है। क्यों नहीं? अच्छा 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 बेटा। बाबा गाइए ना, सिर्फ एक बार साईं बाबा वाला गाना गाइए ना। हाँ बेटे, हाँ। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा साईं साईं बो। ये भस्म है, इसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है मालसापति? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। मालसापति धीरज, संभालिए अपने आप को, संभालिए।
मालसा पति कैसा है श्यामा? उनकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। आप सब जानते थे बाबा कि मालसा पति के बेटे की मौत होने वाली है, इसीलिए आप उन्हें घर जाने को कह रहे थे। ऐसा क्यों हुआ साईं बेटे? मालसा पति तो तुम्हारा प्रिय भक्त है। माँ, पांडव भी तो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे और श्री कृष्ण के होते हुए भी उनके 5 पुत्र मारे गए थे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ना साईं बेटे? होनी को कोई नहीं टाल सकता माँ, मृत्यु एक होनी है, उसे कोई अनहोनी में बदल ही नहीं सकता, मैं भी नहीं। इंसान को जो भोग भोगने हैं उसे वो भोगने ही पड़ते हैं। भाईजा भाई, अगर मालसा पति जी अपने घर नहीं जाते ना तो उनकी अपने बेटे से आखिरी मुलाकात नहीं होती। सबका मालिक।